और उमर खालिद पर फायरिंग की खबर के बाद उमर से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने, पहले आपको वो सुनवाते। हमारे साथ हैं जेएनयू के छात्र उमर खालिद, जिन पर अभी हमला हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, बताएंगे उमर? देखिए, हम लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे एक प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम होने में शुरुआत में समय था, तो मैं बाहर जाके चाय पीने गया। जैसे ही मैं चाय पी के वापस घुस रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के गेट के ऊपर, एक आदमी मेरे ऊपर से पीछे से कूदा, बंदूक लेके साथ में था, और मुझे गिराया घूसा मार के और मेरे ऊपर चढ़ गया। पूरे दौरान मुझे इस बात का बहुत टेंशन था कि वो बंदूक उसके हाथ में है। मैं उसका हाथ पकड़ा रहा, कोने कड़ा रहा हाथ, और इस दौरान मेरे तीन चार दोस्त और थे, दे ट्राई टू ओवरपावर हिम। उस समय वो भागा और भाग के दूसरी तरफ से गोली चलाई, मैं भागते हुए अंदर आया हूँ, यही मेरे साथ अभी हुआ है। कौन लोग थे और अभी इतना 2:30 बजे के आसपास जो है दिन दहाड़े बेखौफ इस तरह गोली, कौन? दिल्ली के, वो भी केंद्र में, इस चीज को भी जोड़ के रखिए, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है रूलिंग पार्टी का, वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, और इतना निडर लोग हैं। अब मैं देखिए, मुझे नहीं पता कौन लोग थे, मतलब मुझे बोलना बहुत मुश्किल है कौन लोग थे, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगा। जो दुष्ट प्रचार किया गया है 2 साल से मेरे खिलाफ, मुझे अजीब अजीब बातें बोली गई हैं, मेरे खिलाफ बेबुनियाद बातें चलाई गई हैं मीडिया में, टीवी पे, तो ऐसा माहौल बनाया गया है कि अब लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। ये और ये आयरॉनिक है कि हम लोग जब यहाँ हैं तो हम लोग लिंचिंग के खिलाफ ही प्रोग्राम में हैं। उमर, एक चीज बताएं, आप यहाँ पर आए और कैसे, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ या अचानक कोई गन उनके पास था, क्या था, कौन? देखिए, यही तो हैरानी की बात है। मैं तो वहाँ चाय पीने गया था, चाय पी के लौट रहा था, मतलब कोई इंसान मेरे पीछे से आता है, मुझे गिराता है घूसा मार के, और फिर ऊपर से बंदूक चलाने की कोशिश, गोली चलाने की कोशिश करता है। मतलब इतना दिल्ली के कैपिटल सिटी के सेंटर में, तो क्या वो भाग गया फिर पकड़ने? वो भाग गया, मैं तो भाग के अपनी जान बचा के इधर आया। मेरे दोस्त लोग उस तरफ गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे अभी फोटोग्राफर ने दिखाया, उन्होंने बंदूक का फोटो भी खींचा वहाँ, बंदूक का फोटो भी खींचा। भाग गया वो लोग, कौन, कितने लोग थे, क्या थे? देखिए, जिसने मेरे पे हमला किया वो एक आदमी था, मुझे पता नहीं ये गैंग था, उसके आसपास और लोग थे, कौन थे ये मुझे पता नहीं। चेहरा देख पाए आप? मैं नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे पीछे से हमला किया और मुझे फौरन आके गिरा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं अपनी किसी तरीके से छुड़वाया, मेरे दोस्तों ने छुड़वाया, और मैं भाग कितने अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वापस अंदर घुसा। लेकिन आप जो यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, खौफ से आजादी के लिए आप आए हैं? यही है कि खौफ, मतलब लोग हमेशा डर के रहे हैं कि आपके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, आपकी कभी भी जान जा सकती है। आप इस सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करेंगे तो आप पे अलग अलग तमगे लगाए जाएंगे, और तमगे लगाने के बाद तो एक माहौल बनाया जाता है कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपको लगता है कि वही सारे लोग थे जिन्होंने आप पर हमला किया? देखिए, आपकी कोशिश पहली बार नहीं, चोट भी आपको लगी है कई जगहों पर? देखिए, पहली बार नहीं है ऐसा हो रहा है। अभी 2 महीने पहले मुझे एक अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरफ धमकी आई थी कि आपको जान से मार देंगे। उससे पहले 2016 में मेरे पिताजी को, मेरे उनको लेकर और मेरे को लेकर धमकी आई थी। तो एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जहां किसी पे भी हमला हो सकता है, और ये बहुत खतरनाक है। आज मेरे ऊपर हमला होने की कोशिश हुई, कुछ दिनों पहले कबीर खान के भाई पे हमला हुआ था, कुछ दिनों पहले गौरी लंकेश को मार दिया गया, उससे पहले धाबोलकर को मार दिया गया, पंसारे को मार दिया गया। ये इस माहौल में हम कब तक जिएंगे, और ऐसे खौफ के माहौल में हम कब तक जिएंगे? हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या गुनाह है अपनी आवाज उठाने में? अपने पुलिस में शिकायत करिए, करेंगे अभी? बिल्कुल, ये तो 5 मिनट पहले हुआ है, मैं तो जान बचा के सीधा अंदर आया हूँ। अभी हम लोग सीधा इसको पुलिस में जाएंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उमर खालिद कह रहे हैं कि खौफ से आजादी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन इनके ऊपर हमला हुआ है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।